फिल्म पुष्पा द राइज की सफलता के बाद से ही अल्लू अर्जुन सुर्खियों में बने हुए हैं। फैंस को भी फिल्म के दूसरे पार्ट यानी पुष्पा द रूल का बेसब्री से इंतजार है। खबरों की माने तो अल्लू अर्जुन ने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। उधर पिछले कुछ दिनों से पुष्पा 2 के लिए कई एक्टर्स के नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि अब बताया जा रहा है कि मेकर्स ने सलमान खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म टाइगर जिंदा है के विलेन सज्जाद देला फ्रूट से फिल्म का हिस्सा बनने के लिए बात की है। खबरों के अनुसार सज्जाद देला फ्रूट पुष्पा 2 में अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। सज्जाद ने टाइगर जिंदा है में फिल्म में अबू उस्मान की भूमिका निभाई थी। इसके बाद उन्हें स्पेशल ऑप्स में के मेमम सयामी खेर के साथ देखा गया था। नीरज पांडे द्वारा बनाई गई फिल्म में सज्जाद ने हाफिज अली की भूमिका निभाई थी। उन्हें पर्शियर हॉरर थ्रिलर अंडर द शैडो में भी एक छोटी सी भूमिका निभाई है। कौन है सज्जाद देला क्रूज? सज्जाद देला क्रूज इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर हैं जिन्हें टाइगर जिंदा है, बेबी, द चॉइस और स्पेशल उप्स जैसे प्रोजेक्ट पर काम किया है। वह हिंदी, इंग्लिश, अरेबिक, फारसी और टर्की भाषा का अच्छी जानकारी रखते हैं। उन्हें टाइगर जिंदा है में सलमान खान के ऑपोजिट खूंखार विलेन अबू उस्मान का भी रोल काफ़ी पसंद किया गया था। अल्लू अर्जुन की पुष्पा सिनेमाघरों में हिट हुई थी। अब उनके अगले पार्ट का फैंस की नजरें हैं। चंदन की तस्करी की कहानी से जुड़ी पुष्पा फ्रेंचाइज की अगली कड़ी नाम पुष्पा द रूल बताया जा रहा है और इसकी शूटिंग शुरू हो गई है और इस बार इसमें मेगा बजट बनाया जा रहा है। अल्लू भी तगड़ी फीस वसूल रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी पुष्पा की दूसरे पार्ट का इंतजार है या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आपको पुष्पा 1 आपने देखी है या नहीं, मुझे कमेंट करके बताना।